हमारा है। और इस देश से जब मैं पहली बार आया था इस सदन में तो मैंने देखा था कि उत्तर यानी देश के सबसे बड़े विधानमंडल विधानमंडल की अपर हाउस की स्थिति इतनी लचर है। और उस समय फिर से ये प्रयास प्रारंभ हुआ कि भी कुछ ऐसी सुविधाएं अपर हाउस में होनी चाहिए जिन सुविधाओं के माध्यम से हम अपर हाउस को अपर हाउस के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने और प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं के सामने रख भी सके। माननीय सभापति जी ने यह प्रयास प्रारंभ किया, विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह जी ने इस अभियान को पूरे मिशन के रूप में लेकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया और आज उस पूर्णता की सुखद अनुभूति हमारे सामने इस लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं विधान परिषद के माननीय सभापति जी को और विधान परिषद और लोकतंत्र के प्रति आस्थावान प्रत्येक नागरिक को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, भारत के अंदर लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं यद्यपि अति प्राचीन है, दुनिया का सबसे बड़ा वह सबसे प्रथम गणतंत्र भी भारत का रहा है, लेकिन अगर प्राचीन समय की हम बात करते हैं तो 1887 में विधान परिषद की पहली बैठक होती है और आज का जो विधान सभा का भवन है वह कभी विधान परिषद का ही भवन हुआ करता था, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई को वह दे दिया। आज विधानसभा वहां चल रही, चुने गए जनप्रतिनिधि वहां पर उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में चिंतन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अपर हाउस में जो भी प्रस्ताव भेजते हैं अपर हाउस विधान परिषद के रूप में बड़ी सहजता के साथ, बड़ी उदारता के साथ उसको अमली जमा पहना करके विधान मंडल को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अब सोचिए कितनी बड़ी समृद्ध विरासत हमारी है, 1887 से लेकर के अब तक की यात्रा। पहले यह संयुक्त प्रांत था, उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के रूप में, हम पर 24 देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।